माय न्यू ब्लॉग। आज है नवरात्र का आखिरी दिन। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन यूजुअली सब लोग कन्या पूजन कराते हैं, कुछ लोग अष्टमी को भी कन्या पूजन कराते हैं। मुझे पर्सनली मेरे बचपन में आज के दिन का बहुत वेट मैं करती थी, क्योंकि हमारी प्री बुकिंग हो चुकी होती थी। रात से ही आंटियाँ आके कह देती थी कि मुझे इतने बजे जाना है उनके घर कन्या खाने, और मैं रात भर जग के मतलब मैं वेट करती थी यार मॉर्निंग कब होगी और मुझे लोगों के घर जाके कन्या खाना होगा। और अगर किसी आंटी ने मुझे दही जलेबी खिला दी, वो तो मेरी फेवरेट आंटी हुआ करती थी। सो आज का दिन मैं बहुत मिस करती हूँ कि काश मैं भी अभी भी छोटी होती और मैं अभी भी कन्या पूजन में जाती, कन्या खाती, पैसे मिलते। सो वैसे मुझे भी आज कन्या पूजन करना है आज, बट अभी मेरी उसकी कोई भी तैयारी नहीं हुई है। बस मेरे छोले अभी बॉयल्ड हो रहे हैं, अभी मुझे हलवा बनाना है, पूरी बनानी है, बहुत प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद पूजा भी करनी है, फिर कन्याओं के लिए भी कन्या ढूंढने जाना है। आज की डेट में तो कन्याएं मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली ये कोविड सिचुएशन में तो और भी कोई भी किसी के घर ऐसे भेजना नहीं चाहता है। हम लोग तो टोलियाँ बना करके निकला करते थे, बट अभी तो ऐसा नहीं है। मुझे भी नहीं मालूम कि मुझे कन्याएं कहाँ से मिलेंगी। अगर नहीं होगा तो किसी मंदिर में जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी जो भी मैं बनाऊंगी, जो भी मेरी श्रद्धा से। देखते हैं क्या होता है। चलो गाइस, फिर मैं चलती हूँ नवमी के भोग और पूजा की तैयारी करने। आपसे भी सबको जरूर शेयर करूंगी, सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। लेट्स गो गाइस। फिलहाल मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो चुकी है। मैं सूजी का हलवा बनाने जा रही थी और मैंने देखा कि मेरे पास सूजी ही नहीं है। सो लाइक सीरियसली कुछ ना कुछ होता रहता है। सो अभी मैं जा रही हूँ सूजी लेने, यहाँ पे सामने ही मिल जाएगा, तो चलते हैं। सूजी तो मैं ले आई, फिर याद आया अच्छा केले भी लेने थे, तो वो भी ले लिया। मेरे साथ ना ऐसी ट्रेजेडी अक्सर होती है, लाइक मुझे मैं जब भी कोई डिश बनाने जाती हूँ और मैं बाद में देखती हूँ कि वो मेन डिश का वो मेन जिससे बनेगा वही नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है। सो गाइस, देख सकते हैं मैंने सूजी का हलवा बनाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ मैंने एक पैन में सूजी को भुनने के लिए रख दिया है। इसे मैं तब तक भूनूंगी जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन कलर नहीं हो जाता और इसमें से एक अच्छी सी स्मेल नहीं आने लगती। और सेकंड मैंने एक पैन में पानी में चीनी डाल के और इसमें थोड़ा सा इलायची डाल दिया है, और सैफ्रन नहीं था मेरे पास इसलिए मैंने फूड कलर का यूज़ किया। अगर आपके पास सैफ्रन है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हो। इसे मुझे चाशनी नहीं बनाना है, बस इतना इसे करना है कि ये चीनी है वो मेल्ट हो जाए। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरा हलवा बिल्कुल रेडी है। मैंने इसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट्स दे दिए और थोड़ा सा मेरा जो मैंने कल घी बनाया था होममेड वो मैंने इसमें डाल दिया है। सॉरी गाइस, मैंने आपको हलवे की पूरी प्रॉपर से डिटेल करके नहीं दिखाया इसका वीडियो, बट अगर आपको इसकी प्रॉपर डिटेल में रेसिपी चाहिए हलवा मैंने कैसे बनाया, सो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताओ, सो दैट मैं आपको जरूर उसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर जरूर दिखाऊंगी। गाइज, आप देख सकते हैं मेरे भोग की थाली बिल्कुल रेडी हो गई है। चलिए फिर चलते हैं, माता रानी को भोग लगाते हैं।
गाइज आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पूजा बिल्कुल अच्छे से हो गई है, मेरी आरती हो गई है, मैंने माता रानी को भोग भी लगा दिया है। और ये नवरात्रि का 9 दिन कैसे चले जाते पता ही नहीं चलता, बट हाँ ये 9 दिन बहुत अच्छे से गए, बिना किसी विघ्न के हमने सुबह शाम अच्छे अपने मन से जितना हो पाया हमने अच्छे से उनकी पूजा करने की कोशिश की है। बस माता रानी अपनी कृपा ऐसे ही हम पर बनाए रखे। गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं कन्याओं में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने, देखते हैं किसी मंदिर के सामने या अगर जहाँ पे मिल जाए बस वहाँ पे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गाइज आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ कन्याएं हैं जो अभी फिलहाल तो आइसक्रीम खा रही हैं। सो गाइज इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ यही एंड। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो गिव इट अ थम्स अप। मेरे चैनल पे नए हैं सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत जल्द मिलूंगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और दूसरों में ढेर सारी खुशियाँ बताइए।